संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई बचाओ कार्यक्रम के तहत आज पलवल के किसान एफसीआई गोदाम के सामने यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार जो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ जो किसान नारेबाजी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन लंबे समय से जारी है। पलवल के किसान नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे हैं, तो यहीं एफसीआई के गोदाम पर भी हमारे साथ यहाँ किसान नेता हैं, सैकड़ों किसान हैं। जानेंगे सरोज साहब क्या कहोगे जो आज एफसीआई के गोदाम के सामने धरने पर बैठे, क्या मांगे हैं? देखिए किसान संयुक्त मोर्चे का जो हमारा जो आह्वान है उसके आह्वान पर ही जो है आज एफसीआई पलवल के गोदाम पर जो धरना किया जा रहा है, और ये इस बात के लिए है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने तमाम जितनी भी संस्थाएं थी उन संस्थाओं को एक एक करके जो है ना इनका निजीकरण और समाप्तिकरण की तरफ जो भारत सरकार का कदम बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए और उसके विरोध करने के लिए आज एफसीआई के यहाँ पर धरना दिया, क्योंकि सरकार की ये नीति बड़ी नज़दीक होने जा रही है कि एफसीआई को भी समाप्त किया जा रहा है, और यदि एफसीआई समाप्त होगी तो निश्चित तौर से इसकी जो परचेज है वो ख़त्म होगी, और वो इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से ये कानून बनाए गए हैं उन कानून में प्राइवेट प्लेयर्स जब खरीदारी करेंगे तो एफसीआई खरीदार बंद हो जाएगा, जब एफसीआई की खरीद बंद हो जाएगी तो गोदाम ख़त्म हो जाएंगे और जो 2 रुपये या 3 रुपये में जो राशन प्रणाली है वो समाप्त हो जाएगी, और ये लड़ाई आज किसान के लिए नहीं बल्कि आज हर देश के जो गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति की लड़ाई आज लड़ने जा रहे हैं, और उसकी एक कड़ी में ये एफसीआई का एक गोदाम का घेरा या धरना भी जो है ना हमारी एक कड़ी है। आप कितने बजे ये धरना शुरू हुआ था, कब तक चलता रहेगा? ये हमारा 11 बजे शुरू हुआ था और 11 से 5 तक का प्रोग्राम है, ऊपर से संयुक्त किसान मोर्चे का, तब तक ये चलेगा, और आज पूरे देश की ये कॉल है जैसा अभी साथी ने बताया। मतलब जो लंबे समय से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, सरकार बातचीत नहीं कर रही है आपसे, और इस तरह से अब आपने ये धरना प्रदर्शन एफसीआई के खिलाफ बचाओ के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं, आप क्या कहोगे इसका असर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि तो मतलब जो ये लंबा आंदोलन चलेगा जैसे हमारे किसान नेता कह रहे हैं, और आप इससे पहले भी बहुत सारे लंबे आंदोलन चले हैं, आंदोलन इतने लंबे आंदोलन में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, और अंत में जीत किसानों की होगी, हमें उम्मीद है जीत होगी आपकी, क्योंकि जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ MSP पर कानून बनाने को लेकर आप लंबे समय से धरने पर बैठे हो, अब अगली जो आपने शुरू कर दिया एफसीआई बचाओ, देखो ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किया गया है और जीत निश्चित किसानों की होगी। जिस तरीके से गरीब लोगों को जो 2 रुपये किलो या 2.5 रुपये किलो के हिसाब से जो अनाज मिलता है, अगर एफसीआई ख़त्म होगी तो उन गरीब मजदूर का क्या होगा, सरकार किस तरीके से करेगी? और जिस तरीके से सरकार कर रही है ना, अपने अड़ियल रवैये पे बार बार कहीं लाठीचार्ज करवा देती है, कहीं कुछ करवा देती है, जैसे रोहतक में लाठीचार्ज करवाया, हम इस चीज़ की सरकार की फुल निंदा करते हैं। आपको कैसे लगता है एफसीआई खत्म होने जा रहा है, कितना असर पड़ेगा इससे जो गरीब जनता को? देखिए पूरे देश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत जितने भी गरीब लोगों को राशन मिलता है, चाहे वो गेहूँ हो, दाल हो या कोई चावल हो, वो सभी एफसीआई के माध्यम से प्रदेशों को जाता है, और चाहे प्रदेश में कहीं कोई संस्था हो खरीदने की, आखिर में सारे का सारा माल एफसीआई को ख़रीदना पड़ता है। एफसीआई इस देश के उन नवरत्नों में है जैसे सेल है, भेल है, एयरपोर्ट है, रेल है, एफसीआई है। ये हमारे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 1952 में जब पहली सरकार बनी थी उस पहली सरकार में फैसला हुआ था कि 9 ऐसे उपक्रम बनाए जाएं पूरे देश के लिए जिनसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो, पूरे देश में खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो, और आज ये सरकार इन्हीं संस्थाओं को नष्ट करने पर जो तुली हुई है, इसके खिलाफ हमारे किसानों ने ना केवल अपने कृषि की बात कर रहे हैं बल्कि उनके साथ उन सभी संस्थाओं को बचाने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं जो इस देश के लिए बहुमूल्य संस्थाएं थी, सार्वजनिक उपक्रम थे, और जिन्हें इस देश के लिए नवरत्न के रूप में पुकारा जाता था। एफसीआई उन्हीं में से एक है। एफसीआई अगर नहीं रहेगी तो गरीब को जो आज अनाज या उसको जो दाल इत्यादि मिलती है वो नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे जो SKM है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने जो कॉल दी है, आप ध्यान हो तो इससे पहले हमने APMC मंडी बचाने के लिए भी एक कार्यक्रम पलवल में किया था, आज उसी की पुनरावृत्ति में हम एफसीआई को बचाने का कार्यक्रम है, और पूरे देश में हम प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे, और हमने अब यहाँ ज्ञापन भी बनाया है मंत्री के नाम पे, उस ज्ञापन को DC को या SDM को जो भी मिलेगा DC को देने की हमारी इच्छा है, उसके बाद हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि FCI को बचा के रखा जाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लें, APMC को बचा के रखा जाए ताकि किसान इस देश में अच्छी ज़िंदगी जी सके। हाँ क्या उम्मीद है FCI बचाने को लेकर जो आंदोलन कर रहे हो, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले आप कृषि कानूनों के खिलाफ MSP की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हो, अब सरकार लंबी समय से आपको बातचीत करने होता भी नहीं दे रही।
ये तो आप जानते हैं कि सरकार को हमें न्योता देना ही पड़ेगा, और FCI का जो कारण है कि जब 2014 में इनकी सरकार आई थी BJP की तो 90,000 करोड़ कर्ज था, आज 2,66,000 करोड़ कर्ज है। अगर ऐसा ही रहा तो FCI खत्म हो जाएगी। इसी को बचाने की SKM की मुहिम है और ये जरूर हम बचाएंगे। यदि FCI खत्म होता तो कितना असर पड़ेगा गरीब जनता को, जिनको मुफ्त में राशन मिला? भारतीय खाद्य निगम को अगर ख़त्म किया जाता है तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसान के ऊपर, दूसरा प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों के ऊपर, और तीसरा पड़ेगा मजदूर के ऊपर। किसान, मजदूर और कर्मचारी तीनों प्रभावित होंगे, और इस महंगाई के दौर में लाखों किसान बेरोज़गार हो जाएंगे, कर्मचारी, उनकी जीविका को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने जहां MSP की गारंटी, 3 काले कानून वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू किया है, उसके लिए भारतीय खाद्य निगम को भी बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। और इससे ये भी है कि अगर ये भारतीय खाद्य निगम ही नहीं रहेगा तो MSP का रेट कौन देगा? इसी के अंतर्गत और भी एजेंसियां हैं जो किसान का गेहूं खरीदती हैं, जब खरीद ही नहीं होगी तो किसान भी, करोड़ों करोड़ों किसान भुखमरी की स्थिति में चला जाएगा, गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा, तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए भारतीय खाद्य निगम को बचाने के लिए भी आज पूरे देश में भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में ये धरना प्रदर्शन किए गए हैं, और ये कामयाब भी रहे हैं, और सरकार से मांग है कि वो MSP की गारंटी भी दे, इससे भारतीय खाद्य निगम भी बचेगा, और भारतीय खाद्य निगम भी रहेगा तो उससे गरीब को जो सहायता मिलती है अन्न की, दाल की, चावल आदि की, वो भी पूर्ति होगी। लेकिन सरकार की मंशा पूरी तरह से गरीब विरोधी है, ये सरकार पूंजीपति के पक्षधर है, और जो भी कानून बना रही है वो उन्हीं के हित को देख करके बना रही है। लंबे समय से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब ये सरकार आपको बातचीत का न्योता नहीं दे रही है, क्योंकि लंबे समय से गर्मियां पूरी निकल, सर्दियां निकल चुकी, गर्मी का मौसम आ चुका है, क्या इसका असर पड़ेगा जो FCI बचाओ आंदोलन कर रहे हैं हर FCI के गोदाम पे? किसी भी आंदोलन की उपेक्षा करना लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, और सरकार जिस संवेदनहीनता के साथ किसानों के साथ व्यवहार कर रही है उससे ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन अंत में सफलता किसानों की होगी, सरकार को घुटना टेकने पड़ेंगे, वार्ता करनी पड़ेगी और किसानों की मांगें माननी पड़ेंगी। तो किसान दृढ़ निश्चय ले चुका है, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अंत तक, जब तक ही हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, MSP का कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वर्ष बीत जाएं, महीने बीत जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं। आप देख सकते हैं किसानों का ये कहना है, जो किसान नेताओं का, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि FCI के जो गोदाम के सामने लगातार किसानों का धरना 11 बजे से चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर FCI बचाओ दिवस ये मनाया जा रहा है। 30 में FCI के कार्यालयों पर आज किसान धरना दे रहे हैं, सुबह 5 जो ये धरना शुरू हुआ 11 बजे तक, शाम 5 बजे तक का किसान जो मोर्चा का ये आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ये धरना प्रदर्शन रखा है। जिस तरह से किसान लंबे समय से कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर, MSP की पर कानून बनाने की मांग को लेकर धरने पर थे, उसी कार्यक्रम के तहत आज FCI बचाओ कार्यक्रम, यहां आंदोलन आज किसानों ने रखा है। किसानों का कहना है कि निश्चित तौर पर इस आंदोलन का असर पड़ेगा, और सरकार जिस तरह से बातचीत का न्योता नहीं दे रही है, सरकार को विवश होना पड़ेगा, किसान आंदोलन लगातार चलता रहेगा, सरकार को न्योता देना होगा बातचीत का, और इस आंदोलन की भी एक दिन जीत होगी। पल्स पंजाब के TV।